तुम्हारे मुरली वाले हौसला, सूचना मिली है जौनपुर से फिर से 20 किलोमीटर की दूरी पर बाबूरा गांव सिकरे कहा जाता है, वहां पर मैं पहुंच चुका हूं। तो आप नज़रें जमा कर रखिए, देखते हैं कौन सा स्नेक है, क्योंकि खतरा हो भी सकता है, शायद जोड़ा सांप है, और रूबरू कराते हैं। नज़रें जमा करके अभी चेस्ट तो दोस्तों ये कोबरा स्नेक है, और ये आग आप लोग किस लिए इसको यहाँ सुलगाए थे? अच्छा, कि मतलब अपने आप निकल जाए। चलिए इसको हटा दीजिए। तो दोस्तों बड़ी खुशी की बात ये होती है कि ऐसा मंजर शायद कम देखने को मिलता है। नर और मादा यानी कि नाग और नागिन एक साथ यहाँ पर हैं। तो आज हम यहाँ पर पहुँच चुके हैं और आपको दिखाते हैं, शायद नाग तो बाहर की तरफ निकल चुका है। इसी को फिटार कहते हैं। तो आप नज़र जमा कर रखिए, इसको तो हम रेस्क्यू कर ही लेते हैं, और बारी आएगी दूसरे की, उसको भी करके दिखाते हैं। तो दोस्तों ये काफी गुस्से में है इसमें। तो ठीक है, हम इसे कैच करते हैं। तो आप नजरें जमा कीजिए। ठीक, इसको बाहर निकाला जाए। तो दोस्तों इसमें जगह नहीं था इसे जाने के लिए, और तभी ये भाग नहीं पाया, और नहीं तो ये भाग गया होता ये भी। ठीक है, इसको लेकर चलते हैं बाहर की तरफ। दोस्तों जब ऐसा सांप निकले दोस्तों, एक बार फिर से हम इसे कैच कर लेते हैं। इस तरीके की गलती आप ना कीजिएगा वीडियो देख करके, क्योंकि भारत का दूसरा सबसे जहरीला स्नेक है। दूसरे सांप के लिए एक्टिव होते हैं। आप नजर जमा करके दिखा दीजिए। ठीक है दोस्तों, अब इधर पैक करते हैं डिब्बे में, और आप नजरें जमा के रखिए, और ऐसा वीडियो देख करके आप ऐसी गलती ना कीजिएगा, नहीं तो आपके साथ कभी भी कुछ भी हो सकता है। ठीक है दोस्तों, हम इसको कैच कर लिया है, और लेके चलते हैं दूसरे सांप की तरफ। ढक्कन नहीं सही है। वाला कहाँ? बड़ा वाला। तो दोस्तों एक तो इस घर के अंदर से हो गया है, और दूसरा शायद इसके पीछे है। हम आपको दिखाते हैं, पीछे भी लेके चलते हैं, कोशिश करेंगे अगर मिल जाएगा तो ठीक है। नीचे चला जा रहा। हाँ, वहाँ
ऊपर उसका मिलना आसान नहीं है।